बिहार के कटिहार में जानवर व्यवसायियों को रुपया पूंजी उपलब्ध कराने वाला निकला पेशेवर कुख्यात लुटेरा गिरोह का संचालक। व्यवसायियों को रुपया उपलब्ध कराकर खुद ही रास्ता था लूट की साजिश। तमंचे के बल पर लुटेरा गिरोह हाईवे पर करते थे दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी भरी वारदात। 10 मार्च को हाईवे 31 मुसाफुर चौक ब्रेकर पर रफ्तार भरी कार सवार मवेशी व्यवसायी से 16,30,000 की हुई थी दिन दहाड़े लूट। फायरिंग के बल पर अपराधियों ने हाईवे की ब्रेकर पर मचा डाली थी खलबली। घटना के पूर्व 100 घंटे में पुलिस को मिली सफलता। लूटकांड का एसपी जितेंद्र कुमार ने किया है उद्भेदन। एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा, हथियार के बल पर हुई जानवर व्यवसायी से लूटकांड में गठित एसआईटी टीम सूचना संकलन और तकनीकी अनुसंधान पर 4 अपराधियों को पकड़ा गया है। 5,25,000 रुपए लूट की राशि में से बरामद हुई है। अपराधियों की ऑटोमेटिक पिस्टल कारतूस और अपराध में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई है। गिरफ्तार पेशेवर अपराधियों का आपराधिक इतिहास है। लूट कांड में मुख्य बात यह है कि जानवर व्यवसायी का फंड मैनेजर सत्यम सिंह के द्वारा पूरी साजिश रची गई थी। उसी ने अपराधियों को लाइन दिया। पूर्णिया से जब पैसा चला तो इसी ने अपराधियों को फोन किया। इनका प्लान पहले से फिक्स था कि पैसा बृहस्पतिवार को आएगा। इस मामले में 4 की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि तलाश की जा रही है। बमबम सिंह जो पशु व्यवसायी हैं, जिसका पैसा था, वो सत्यम सिंह के माध्यम से रुपयों का कलेक्शन करता था। सत्यम सिंह ने प्लानिंग की थी। 9 तारीख की रात को वो खुद पूर्णिया न आकर व्यवसायी की हर गतिविधि से अपराधियों को अवगत कराता है। इस मामले में कुछ ऐसे और लोग हैं जिसके लिए पुलिस को रिमांड पर लेने की आवश्यकता पड़ेगी। लूटकांड में 2 बाइक पर 4 सवार सहित एक लाइनर भी शामिल था। बीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट। कोढ़ा थाना अंतर्गत मूसापुर मोड़ के पास एक जानवर व्यापारी से लूट की घटना हथियारबंद अपराधी द्वारा की गई थी, जिसको समाचार पत्रों में, मीडिया में काफ़ी प्रमुखता से इसको दिखाया गया। इसको हम लोग के द्वारा जो है इसको चैलेंज के रूप में लिया गया। एक एसआईटी का गठन हुआ इसमें, और तकनीकी अनुसंधान और आसूचना संकलन के आधार पर हम लोगों ने इस केस को उद्भेदन करने में सफलता हासिल की है। इसमें अभी तक हम लोगों ने कुल 4 अपराधियों को पकड़ा है। 5,25,000 जो लूट की राशि थी उसमें से बरामद है। जो हथियार जो प्रयुक्त था वो बरामद है। KTM मोटरसाइकिल जो लूट हुआ था वो भी बरामद है। 2 जिंदा कारतूस है वो भी बरामद है। सभी अपराधियों ने जो है अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इनका काफ़ी पेशेवर अपराधी हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी ऐसे ही है, प्रोफेशनल तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं। परंतु इसमें मुख्य बात यह है कि जो व्यापारी है, उस व्यापारी के फंड मैनेजर है सत्यम सिंह, उसी के द्वारा ये घटना, पूरी साजिश जो है रची गई। उसी ने जो है अपराधियों को जो है लाइन दिया, और जब वहाँ से पैसा जब पूर्णिया से चला तो उसी ने जो है इनको फ़ोन किया कि पैसा वहाँ से चल चुका है, और इसकी प्लानिंग पहले से भी वो किया था, क्योंकि इनका फिक्स था कि बृहस्पतिवार को ही पैसा आता था। तो मुख्य रूप से जो है इसमें 4 लोग अभी हम लोग गिरफ्तार किए हैं, और इसमें जो है कुछ और अन्य अपराधी हैं जिसको कि हम लोग जल्दी गिरफ्तार करें। नहीं, हाट मालिक का कोई रोल नहीं है। ये जो सत्यम है, ये बमबम सिंह जो मेन व्यापारी है जिसका पैसा था, उसका पैसा पूरा कलेक्ट करके जो है सारा कलेक्शन वही करता है सत्यम सिंह। अब इस ये जो पैसा था उसने ही बैंक से निकाल करके दिया था, तो पूरे जितना भी पैसा का मैनेजमेंट है जो व्यापारी का, वो सत्यम सिंह के द्वारा किया जाता था, और उसी ने जो है लाइन दिया। और उसने प्लानिंग ये की कि 9 तारीख की रात को, ये पता था कि सत्यम सिंह को भी पूर्णिया आना है बिहारीगंज से, लेकिन वो कोई बहाना बना करके सुबह में 10 तारीख को वो नहीं आता है कि उस पर कोई शक ना हो, लेकिन वहाँ से जो है वो लाइन देता है, और फिर ये अपराधी जो है घटना करते हैं, साजिश करता है। लूटकांड में कुल कितने अपराधी थे इसमें? जो है जो घटना पर स्थल पर थे उसमें 4 लोग थे जिन्होंने लूटकांड को जो अंजाम दिया। एक लाइनर हो गया, वो 5। अब इसमें जो है कुछ और भी लोग हैं जिसको कि अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, उनकी अगर संलिप्तता आएगी तो उस इसमें जो है उन लोगों को भी हम लोग रिमांड पर लेंगे। थैंक यू।